हाँ जी, ऐसे कर रहे हो जैसे कौन सा देशभक्त आदमी है। आशीष इंटरनेशनल होटल में रुका हुआ था। किसको देते थे? पम्मा सरदार को। किसका? पम्मा सरदार। एमपी वाला गोवा नहीं चलेगा, छत्तीसगढ़ का ही हमारे को भट्टी से कराओ। दारू का ही धंधा कर उसका भी। ₹1,00,000 एक ट्रिप पे मिलता था। एक ट्रिप। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नहीं भरोसा पुराना। एडवांस MRI, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रासोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। अवैध शराब के खिलाफ दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नमस्कार, आप देख रहे तीरंदाज, मैं हूं आपके साथ अंशुल तिवारी। दुर्ग पुलिस ने आज अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 550 पेटी शराब को जब्त किया है। ये अवैध शराब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ खपाने के लिए लाया जा रहा था। इसमें एक ट्रक अवैध शराब को दुर्ग पुलिस ने जब्त किया है, साथ ही दो अलग अलग कार में और लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है दो और ट्रक जो अवैध तस्कर द्वारा लाया जा रहा था, जिसमें पेटियां भरी थी अवैध शराब की, जो फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। जो आरोपी को गिरफ्तार किया है उसने कई बड़े बड़े नामों का यहाँ खुलासा किया। इंदौर से कहाँ से शराब ला रहा था, नागपुर से कौन इसमें इन्वॉल्व है, दुर्ग में कहाँ खपा रहा था, भिलाई का कौन इसमें कोचिया इन्वॉल्व है, ये सारी चीज़ें आप देखिए दुर्ग SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहाँ आरोपी कई चीज़ों का परत दर परत खुलासा कर रहे हैं। हाँ जी, ऐसे कर रहे हो जैसे कौन सा देशभक्त आदमी है। कहाँ के रहने वाले हो? इंदौर चंद्रौतीगंज के। इंदौर के परमानेंट रहने वाले हो कहीं और के? परमानेंट वहीं के रहने। कितने वर्षों से रह रहे हो इंदौर में? परमानेंट बचपन से। बचपन से रह रहे हो। और ये शराब का काम कब से शुरू किए हो? साहब शराब का काम में तो मतलब साल भर हो गया। साल भर हो गया। अभी 3 महीने से बंद पड़ा था। क्यों? पैसा वगैरह नहीं था, काम भी नहीं था। काम नहीं था। हाँ, तो अभी मैं खाली पैसे के लिए आया था। आशीष इंटरनेशनल होटल में रुका हुआ था, तो वहाँ से मेरे को पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के लिए? अब ये माल कहाँ का है, किसका है, उसके लिए मेरे की जानकारी नहीं है। अच्छा, मेरे को पूछताछ के लिए बुलाया था, पर मेरे पास 302 लगा के अंदर कर दिया। 302? 34-2 बोलते क्या बोलते? मैंने बोला भी सही इनको, क्यों लगा रहे हैं। हाँ, कॉल डिटेल वगैरह सब दे दिए, सारे मोबाइल नंबर दे दिया, हाथ वाथ कुछ भी चीज नहीं छिपाई, सब चीज बता दी मैंने। क्यों पकड़ा है? तुम्हारी याद कैसे आई पुलिस? पूछताछ के लिए। पूछताछ तुम्हारी याद कैसे आई? अब साहब ये तो क्या मालूम किसने बोला, पहले कहाँ का, कब, किसे से, क्या बताओ है? पहले क्या काम किए हो? कैसे गाड़ी चलाता? ट्रक ही चलाता था, मैं खुद ही चला, ड्राइवर था मैं। ये ट्रक किसका है? ये मेरा नहीं है। या तुम्हारा नहीं, नहीं। है ये वाला काम, शराब वाला काम कब से लाते थे? यही बताएगा सर, ये बताएगा शराब कहाँ से लाते थे? नहीं तो मैं लाए नहीं, पहले इंदौर से लाते थे। ट्रक चलाते थे तो इंदौर से लाते थे और यहाँ पे दुर्ग में देते थे। किसको देते थे? पम्मा सरदार को। पम्मा सरदार? पम्मा सरदार। हाँ, उसको लाके दिया, उसने पैसा रोक लिया था, तो फिर उसको पैसा नहीं दिया। कल भी तो मिले हो पम्मा सरदार? कल पम्मा से मिला, उन्होंने मेरे को सैंपल दिया है कि MP वाला गोवा नहीं चलेगा, छत्तीसगढ़ का ही, हमारे को भट्टी से कराओ। तो मैंने मना कर दिया, ये नहीं होगा। ओ, भट्टी से कराओ मतलब? हाँ, मतलब ऐसे डिलीवरी दिला दो कम्प्लीट। ये दुर्ग में रहता है कहीं? ये हाँ, ये जो दारू का ही धंधा कर उसका भी, मतलब ये भिलाई में रहता है, दशहरा मैदान के आसपास। आशीष इंटरनेशनल में? नहीं, मैं अपने खुद ही रुका था। खुद ही रुके? हाँ। कब से रुके हुए थे? मतलब परसों शाम से। परसों शाम से? परसों शाम को 8-9 बजे आया हूँ और कल निकलना था इंदौर के लिए वापस। पहले क्या काम करते थे शराब का? नहीं, शराब का नहीं, पहले ट्रक ही चलाता था, मैं खुद ड्राइवर था। उसके बाद शराब का? नहीं, यहाँ पैसे लेने आया था, मेरे को पैसे के लिए बुलाया था, पैसे देने के लिए। कितना पैसा बचा हुआ था तुम्हारा? मेरा ₹1,00,000 उससे अभी लेना था, मेरे पास पैसे नहीं थे खर्च के लिए। लेना था अपने पप्पू से। क्यों लिया था? तुम बोल रहे हो कि हम जो है नहीं करता था, पैसे लेने आए। एक मिनट, पहले शराब कहाँ से लाते थे? पहले MP से लाते थे। कहाँ से? MP कहाँ से? इंदौर से। इंदौर से कहाँ से? कौन देता था? वहाँ पे करके सिंह साहब करके देते थे। सिंह साहब? कौन सिंह साहब? वो सिंह साहब पूरा नाम नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं? इंदौर की ही है प्रॉपर। कितना देते थे एक बार में शराब? एक बार में कितना शराब लाते थे? 300 पेटी लाते थे। 350 लाते थे। 350 लाए कहाँ छोड़ते थे? ये दुर्ग भाई। रूट क्या था? रूट कैसे होता था? कैसे आते थे? सीधे नागपुर, नागपुर से दूर। वो ठीक है, बताओ प्रॉपर। नागपुर, नागपुर से? नागपुर, नागपुर से दूर ला के दे देते। तो कोई पकड़ता है क्या तुम्हें? तुम्हें 300 पेटी लाते थे तो ड्रावर खुद ही चला था ना। हाँ, नहीं कोई शक नहीं होता, कोई चेकिंग नहीं, कोई पकड़ा है नहीं तुम? नहीं, मैं अभी तक तो ऐसा कुछ। 300 पेटी वहाँ पे एक बार
डिलीवरी करने में कितना का प्रॉफिट होता था, फायदा? मुझे तो खाली किराया मिलता था। कितना किराया मिलता था? ₹1,00,000 एक ट्रिप पे मिलता था। एक ट्रिप पे जिसमें ₹1,50,000 खर्चा आता है, ₹40,000 बचता था। नॉर्मली कोई आदमी को दूसरा सामान सब्जी वब्जी ये सब बेस्ट लाता है, उसको कितना बचता है? उसको 5-7 हज़ार, 8 हज़ार। उसको 8,000 बचता है, तुम्हें 40,000 बचता। 40,000-50,000 भाड़ा रहता है, 40-50,000 ₹1,00,000 भाड़ा रहता है, एक डबल होता है भाड़ा। तो तुमको लगता नहीं था गलत काम है, डबल भाड़े में कर रहा हूँ, खराब कर? लेकिन कर्जा इतना माथे पे था, आत्महत्या करने की नौबत आ गई थी। समझ गया बहुत सारी कहानी थी। टोटल कितनी बार तुम ट्रक पार किए होगे? 10 गाड़ी लाया बस 2 साल के अंदर। कहाँ झूठ बोल रहे हो? नहीं, रियल बता रहा हूँ सर। तो कहीं कोई सेटिंग भी करते थे क्या लाने में? नहीं, सेटिंग वगैरह कहीं नहीं। यहाँ किसको डिलीवर करते थे? यहाँ पम्मा सरदार को। कहाँ पे पम्मा सरदार को कहाँ छोड़ते थे? अपने दुर्ग टोल है ना, उस टोल पे दे देते। तो टोल पे दे कितने कितने वो ₹1,00,000 तुम्हें देता था, तुम उसको जमा कर देते थे? वो गाड़ी को भाड़ा मिल जाता था तो फिर हम नहीं आते थे, वो गाड़ी को भाड़ा नहीं देता तो फिर। ये पम्मा से दोस्ती कैसे हुई तुम्हारी? ऐसे ही जान पहचान से। नहीं हुआ तो बताओ ना, कोई पम्मा को छोड़ना है? नहीं, पहले वो खुद ही लाता था एमपी से, खुद ही लाता था। उसकी गाड़ी नागपुर वगैरह में पकड़ा गई थी पहले। वो पकड़ा गई? हाँ, वो पहले खुद ही करता था। चलो साइड हो, बदमाश हो तुम। तुम्हारा नाम क्या है? विनोद पटेल। विनोद पटेल, ये गाड़ी तुम्हारी है? नहीं सर, मैं इसमें क्या है, सीजिंग से लेके आ रहा था मिर्जापुर। कहाँ से? मिर्जापुर से। मिर्जापुर से लेके आ रहा था, लेके आ रहा था मैं। खाली गाड़ी लेके आए थे। 4:30 की एंट्री मेरी कुम्हारी का। तो एक चीज बताइए, शराब कहाँ से मिला है? ये क्या है, मैं गोडाउन में, वहाँ पर क्या है, आज मेरे को गाड़ी हैंडवर्क देना था सीजिंग वाली पार्टी को, उसको सर्विसिंग वगैरह करके उनको देना था। तो क्या है, सर्विसिंग जैसे अटारी वाले रोड में क्या है सर्विसिंग सेंटर है, तो बोला कि आज तो नहीं धोऊंगा, कल धोऊंगा करके। वहाँ का पार्किंग था, तो वो बोला कि 2-250 रुपये लेता हूँ मैं। तो क्या है, बोले कि पीछे में मैं एक आदमी से बात किया, बोला रात भर में क्या अपने को सेफ्टी चाहिए, सीजिंग वाली गाड़ियाँ रहती है। अरे की बताइए, शराब कहाँ का है? सर नहीं पता साहब मेरे को, तुम तो ऐसे ही ये हो, तुम्हारी गाड़ी में ऐसे कोई डाल दिया। चलो साइड हो। दुर्ग पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए धमधा क्षेत्र में एक ट्रक और 2 छोटी गाड़ी को जब्त किया है, जिसमें 550 पेटी गोवा का अल्कोहल जो है वो पकड़ा गया है। एक पेटी में 180 ml के 50 बोतल होते हैं। इसमें जो मास्टरमाइंड जो पकड़ाया है दशरथ सिंह मीना, वो पिछले 2 वर्षों में 250 बार ट्रक से ट्रांसपोर्टेशन कर चुका था। एक खेप पहुंचाने में उसको ₹1,00,000 दिए जाते थे। इसमें एक लोकल जो तस्कर है पम्मा, उसका नाम सामने आया है। इसके फोन्स में और इसकी पूछताछ में एक और संतोष नाम के तस्कर का नाम आया है, जो कि नागपुर से ऑपरेट करके हर महीने सैकड़ों ट्रिप्स जो है यहाँ पे अल्कोहल छुड़वाता है। निश्चित रूप से इन लोगों के द्वारा टैक्स चोरी की जा रही है, जो शराब है वो पहुंचाया जा रहा है, जिससे कि लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। इसके पूछताछ में और भी अहम खुलासे हुए हैं, जो कि आगे किए जाएंगे और पूरे इस नेटवर्क को ध्वस्त किया जाएगा। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद ये, क्योंकि अंदर अंदर के रास्ते में इधर उधर घुमा रहे थे और 3 गाड़ियाँ थी तो अलग अलग लोकेशन में जा रही थी, तो पुलिस ने तीन टीम बना के इन तीनों को पकड़ने की कोशिश की, जिसमें कि एक में ड्राइवर फरार होने में सफल रहा। टोटल 6-7 लोग थे, ये केवल एक ही पकड़ में आया, बाकी सब भाग गए। एक को जो है दुर्ग से गिरफ्तारी की गई इनके बयान के आधार पर। इनसे सबके मोबाइल डिटेल्स और उसके एनालिसिस के बाद और भी अहम खुलासे होने की गुंजाइश। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रो एंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 1-800-309-1616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।